Inspector, sir. कोई ताजा खबर? खबर क्या सर, सुबह उठते ही बीवी ने मनहूस खबर सुनाई कि आज एकादशी का व्रत है, न चाय न लस्सी। सर आज खाली पेट ही ड्यूटी पर आना पड़ा। सिपाही को खाने पीने की परवाह नहीं करनी चाहिए। पीता तो मैं बिल्कुल नहीं सर, मगर खाने का मुझे बहुत शौक है। 441, तुमने हरिदास मर्डर केस के बारे में क्या किया? सर 109 और 110 को मैंने इस ड्यूटी पर लगा दिया है। और तुम वर्दी पहनकर यहां खड़े हो। एक नहीं दर्जनों केस ऐसे हैं कि वैसे पड़े हैं, और तुम लोग अब तक एक केस का भी पता नहीं लगा सके। सर अगर पता लग जाता तो ना पिछले इंस्पेक्टर की तब्दीली होती और ना आप यहां आते। और ये देखो आजाद चंद्र के बारे में कितनी शिकायतें आ रही हैं। 441, यस सर, क्या तुम जानते हो कि ये आजाद और चंद्र कौन लोग हैं? जानता हूं सर। कौन लोग हैं माला? ईश्वर का अवतार है सर। क्या मतलब? मतलब यही सर कि जैसे अवतारों के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं, वैसे ही आजाद और चंद्र के दर्शन भी दुर्लभ है सर। सर कोई लोग कहते हैं कि ये एक आदमी के दो नाम है, कोई कहते हैं कि ये दो आदमियों का एक नाम है, कुछ लोग सर कहते हैं कि ये जिंदा है, कुछ लोग कहते हैं सर कि ये मर गए हैं। कोई समझ में नहीं आता सर, सारा मामला गोल। यस सर, अगर मामला सीधा साधा होता तो तुम्हारी यहाँ क्या जरूरत थी? जिस तरह से भी हो तुम खुद जाकर उन दोनों बदमाशों का पता लगाओ। यस सर। सर एक बात सर। क्या है? सर मेरे तीन दूध पीते बच्चे हैं, पांच कुंवारी और एक ब्याही हुई, कुल मिलाकर छह लड़कियां, और सर मेरी दो बीवियां हैं, और सर एक बूढ़ा बाप एक बूढ़ी माँ। इतनी बड़ी फौज का राशन लाने के लिए सर सिर्फ मुझे ही कमाना पड़ता है। अगर मैं मर गया तो इन 13 यतीमों को क्या होगा? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सर आजाद और चंद्र को पकड़ने का काम आप किसी ब्रह्मचारी के हवाले कर दीजिए, ये काम आप और मेरे जैसे बाल बच्चेदारों का नहीं है सर। पको मत, अगर इतने बुजदिल थे तो पुलिस में नौकरी क्यों की थी? पेट पालने के लिए। चुप रहो। यस सर। अगर तुमने एक महीने के अंदर अंदर किसी जुर्म का पता नहीं लगाया तो मैं डीएसपी को लिखकर तुम्हारा तबादला करा दूंगा। थैंक यू सर, जरूर करवा दीजिए सर। इस एहसान के बदले में मैं और मेरे खानदान के 13 यतीम सर आपके लिए दिन रात दुआएं मांगेंगे। खामोश, जाओ ध्यान से अपना काम करो। यस सर। सलाम खान साहब। वालेकुम सलाम। कहिए मोतीलाल जी, क्या हाल चाल है? खान साहब हम गरीबों का हाल पतला और चाल टेढ़ी है। अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे मेरे अजीज, ऐसा क्यों कहते हैं? सर अल्लाह ने तो ये सब कुछ किया है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, सब झुकाइए उसकी बारगाह में और शुक्र बजा लाइए। क्या शुक्र बजा लाऊं खान साहब, सारी दुनिया को उसने दौलत दे दी है और मुझे नौ नौ बच्चे। माशाल्लाह, अभी तो फिर भी दर्जन में तीन कमी है। यस सर। यस नो सर, नो नो, दर्जन वर्जन का नाम मत लीजिए। जब तक ये नौ बड़े होंगे तब तक तो मेरे सर के बाल भी नीलाम हो चुके होंगे। ओ सर, सर एक बात तो मैं भूल ही गया, नए इंस्पेक्टर साहब आए हैं, बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े हैं? लाहौल वाला खोद जाइए, उनको ले आइए अंदर। आदाब आदाब इंस्पेक्टर साहब, बड़ी मसरत भी नहीं हासिल करते, तशरीफ लाइए। हामिद मियां। हुजूर, खाने से मेहमान आए हैं, जरा बादाम का शरबत लाइएगा। लाया हुजूर। फरमाइए। खान साहब, इंस्पेक्टर साहब नए नए तब्दील होकर आए हैं, आपसे मुलाकात के लिए ले आया। जहे नसीब मेरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन तबीयत का जरा नर्म हूँ, पुलिस को देख के दिल धड़कने लगता है। सर हर शरीफ आदमी पुलिस से डरता है। इंस्पेक्टर साहब, वो टीकमगढ़ वाले बाबू हरिदास के कातिल का कुछ पता चला? बात ये है खान साहब कि जब तक किसी मुल्जिम का पता ना चले हम किसे पकड़े? अब मुल्जिम खुद भी तो आपके पास चल के आने से राम होती लाल जी। तो सर क्या हम उसके पीछे जाएं? जहमत तो होगी, लेकिन ये आए दिन की चोरी चिकारी डाके खून से लोगों को निजात दिलाने का सेहरा भी तो आप ही लोगों के सर रहेगा, क्यों किमला? यकीनन खान साहब, और फिर आप जैसे आदमियों की मदद और दुआएं साथ हों तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता।
अरे हम क्या और हमारी बिसात क्या, ऊपर वाले का कर्म शामिल हाल होना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। खान साहब, मैं एक और सिलसिले में भी आपसे दरखास्त करने आया हूँ। बस सर, चश्म फरमाइए फरमाइए। सर, सरकारी वार फंड के लिए हमें अपने इलाके से 50,000 रुपया इकट्ठा करना। अरे पर जंग तो साफ समंदर पार हो रही है, उसमें हम बेचारे हिंदुस्तानियों का क्या लेना देना। बस ठीक है सर, मगर सर इस बात का बहुत भारी खतरा है कि कहीं ये आग बढ़ते बढ़ते हमारे घरों तक न पहुंच जाए। तो रोकथाम के लिए रुपयों की दीवार खड़ी की जाएगी, क्यों मोतीलाल जी? है खान साहब, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है खान साहब, कम से कम मेरी ही खातिर कुछ। मुअज्जिज़ मेहमान की ख्वाहिश मेरे सरांगों पर लिख लीजिए मेरे नाम जो मुनासिब समझे। 10,000? नो सर, खान साहब बड़े सखी आदमी हैं, 5,000 मोर। 15 नहीं 20,000 लिख लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो दीवार जरा मजबूत बनवाइएगा। खान साहब, अगर मुझे मालूम होता कि आज आप इतने अच्छे मूड में हैं, तो मैं आपसे 50,000 मांगता। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, अब इजाजत दीजिए। जी नहीं, आज मैं मुंह मीठा कराए बगैर आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नो सर, आज तो हमें यहाँ ठहरना ही पड़ा है। मेरा मतलब है सर, अब हमें यहाँ ठहरना ही पड़ा। हामिद मियां, शरबत लाइए जल्दी से।